सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज हम जो है बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बता दिया था, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या करना होता है, हमें कैसे हम इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। कुछ कंडीशन, हम कंडीशन की बात करेंगे कि किस कंडीशन में पार्शियल फ्रैक्शन लागू होता है। तो आइए देखिए, दिया हुआ जो इंटीग्रेशन है वो पी एक्स बाई क्यू, देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल इन एक्स। क्यू एक्स हैज वनली लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें जो चीज़ें दी रहेंगी उसकी बात हम करेंगे। पहले सबसे पहले जो है केस फर्स्ट की बात करेंगे, हम एक एक केस का पर्टिकुलरली बात करेंगे। इसमें होता क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर पहले चेक करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर चेक करते हैं। हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का जो पावर है वो न्यूमरेटर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का पावर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो ही पार्शियल फ्रैक्शन हम आगे बनाएंगे। अगर न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो हम क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइए केस फर्स्ट की बात हम सबसे पहले करेंगे। व्हेन डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। देखिए लीनियर फैक्टर होंगे लेकिन कोई भी फैक्टर, सबसे पहली चीज़ तो उसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन तभी लागू होता है कि जब कम से कम डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हों, यानी जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके दो फैक्टर होने चाहिए। अगर कम से कम दो फैक्टर है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लागू, वो दोनों लीनियर हो सकते हैं क्वाड्रेटिक हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ केस फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें उसका जो डिनोमिनेटर है उसका फ्रैक्शन जो है वो सारे फ्रैक्शन लीनियर होने चाहिए और लीनियर के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रिपीट कर जाए, जैसे एक्स माइनस वन एक बार फिर एक्स माइनस वन आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, व्हेन डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, यानी फैक्टर लीनियर होना चाहिए लेकिन नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, वो फैक्टर फिर रिपीट ना हो। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। एग्जांपल दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये दिया हुआ है। तो कंडीशन हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, हम कंडीशन ये पढ़ रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके सारे फैक्टर क्या होने चाहिए, वो लीनियर होने चाहिए। तो आइए अभी न्यूमरेटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम। डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे फैक्टर लीनियर होने चाहिए। अब देखिए यहाँ तो लीनियर है, एक्स माइनस वन एक फैक्टर इसका लीनियर, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है दो पावर का है, तो हम क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिखा जा सकता है टू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस टू और दूसरे में एक्स माइनस टू। तो देखिए ये लीनियर हो जाएगा, हम इसको अब आगे लिख रहे हैं इस इंटीग्रेशन को। अब देखिए वन अपान एक्स माइनस वन, अभी इंटीग्रेशन का चिन्ह छोड़ दे रहे हैं, अभी बाद में हम लागू करेंगे। देखिए वन अपान एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसको लिखा जा सकता है वन अपान एक्स माइनस वन और इसका फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर का, तो एक हो जाएगा आपका
एक्स माइनस टू दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस टू, ये हो गया। आप देखिए डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर हैं सब के सब क्या हैं, सब लीनियर हैं। लीनियर का मतलब एक्स का पावर सब में वन होना चाहिए, तो सारे फैक्टर लीनियर हैं। तब कैसे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं वो देखिए। देखिए इसके तीन फैक्टर हैं, तीनों लीनियर हैं, तो हम क्या लिखते हैं उनको अलग अलग, a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। देखिए तीनों फैक्टर को हमने अलग कर लिया, अपनी तरफ से a b c लिख लेते हैं हम, पहले फैक्टर को a बाई, दूसरे को b बाई, तीसरे को c बाई। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लिखेंगे ताकि आपकी क्लियरिटी थोड़ी बढ़ जाए। देखिए ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ जो दिया हुआ है वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो इसको हमने पहले क्या किया, इसके सब फैक्टर डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर को लीनियर कर लिया। अब लीनियर करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, एक एक लीनियर फैक्टर को हम एक को ए बाई, दूसरे को प्लस बी बाई, तीसरे को सी बाई। अब यहाँ क्या करेंगे हम इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखिए जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये तीन हुए। तब अब जानते हैं आप ये एलसीएम हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वन कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ये हो गया। बी बाई क्या है, एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू कट जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू बचेगा। तो यहाँ देखिए बी एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ये हो गया। प्लस सी, सी देखिए आपका एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। यहाँ भी डिनोमिनेटर में ये तीनों है, एलसीएम लिया हमने, और इधर अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, यही तीनों है ये। तो ये तीनों कट जाएंगे, यहाँ एलसीएम हमने लिया था इसका तो वो भी यही आया था, और ये कट जाएगा तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल वन। तो वन इक्वल टू ए एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। जैसे एलसीएम लेते हैं, हल करते हैं, हल करेंगे तो इधर का भी एलसीएम यही आएगा, नीचे वाला ये दोनों का कट जाएगा, इधर वन बचेगा, इधर अभी हमने आपको बताया कि क्या बचेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जितने भी लीनियर ब्रैकेट इसके हैं, देखिए एक एक्स माइनस वन है तो हम क्या है, एक को एक्स एक्स माइनस वन है तो हम उल्टा पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वन। तो देखिए जब एक्स की जगह वन पुट करेंगे आप, एक बार देखिए तीन लीनियर फैक्टर हैं इसके, एक फैक्टर है एक्स माइनस वन, दूसरा है एक्स माइनस टू, तीसरा है एक्स प्लस टू, ये तीन लीनियर फैक्टर हैं। तो अब x माइनस वन अगर इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो x इक्वल टू क्या आएगा, वन। x माइनस टू इक्वल टू अगर जीरो कर दीजिए तो x इक्वल टू क्या आएगा, टू। या x प्लस टू इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू। तो यानी हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन बना यहाँ पे अभी हमने बनाया था, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन बना ये, इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है, अभी हमने बताया एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक बार वन पुट करेंगे, चलिए पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे है एक्स की जगह हम वन पुट करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स माइनस वन है, ये पूरा सी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी एक्स माइनस है, एक्स की जगह वन पुट करेंगे ये सब जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या, केवल ए बचा, तो ए देखिए ए और यक्स की जगह यक्स माइनस टू है तो वन माइनस टू, दूसरे में यक्स प्लस टू है तो वन यक्स प्लस टू है तो वन प्लस टू, और यहाँ उसके लेफ्ट साइड में क्या है, वन। यहाँ देखिए माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ थ्री तो माइनस थ्री ए इक्वल टू कितना, वन।
इसलिए ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन बाई थ्री। देखिए ए का मान माइनस वन बाई थ्री यहाँ दिया हुआ है, सीधे उसने लिख दिया है। तो ए इक्वल टू कितना आया, माइनस वन बाई थ्री आया। आइए बी का मान ज्ञात करें। एक तो हमने क्या है x इक्वल टू वन रख लिया, अब x इक्वल टू क्या रखेंगे, टू रखेंगे। अब पुट करेंगे हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू टू। तो देखिए x बराबर टू रखेंगे हम, x बराबर टू रखेंगे तो देखिए a जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टू x माइनस टू है, तो x की जगह टू रखेंगे, टू माइनस टू तो ये जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए x की जगह टू रखेंगे तो हम ये देखिए क्या जीरो हो जाएगा, सी पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टू माइनस टू ये जीरो हुआ, तो जीरो का सी में गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा। अब बचा बी। अब देखिए बी में हमें क्या करना है, बी यहाँ पे बचा हुआ है बी का, देखिए यहाँ एक्स माइनस वन है तो ये टू माइनस वन हो गया, और इन टू क्या है एक्स प्लस टू है तो यहाँ टू प्लस टू हो गया। अब यहाँ फोर बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन बाई फोर, बी इक्वल टू क्या है वन बाई फोर। तो देखिए यहाँ बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान दिया वन बाई फोर यहाँ पे। आइए अब सी का मान देखते हैं हम, क्या क्या हम पुट कर चुके हैं। एक्स इक्वल टू वन पुट किया हमने, एक्स इक्वल टू टू कहाँ से पुट किया, इसके जो तीन फैक्टर हैं एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, यहीं से पुट करना है। इसको जीरो के इक्वल करिए, इसको जीरो के इक्वल करिए, इसको जीरो, तो एक्स बराबर क्या आएगा, यहाँ से वन आएगा, यहाँ से एक्स बराबर टू आएगा, यहाँ से एक्स बराबर माइनस टू, ये पुट करना अभी बाकी है। तो एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, माइनस टू करिए, ये अब देखिए हम एक्स बराबर माइनस टू पुट कर रहे हैं, देखिए क्या क्या जीरो होगा। यहाँ एक्स प्लस टू है, एक्स की जगह माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, यानी पूरा ए जीरो खत्म। अब यहाँ बी एक्स माइनस वन है, यहाँ एक्स की जगह माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू ये जीरो, पूरा बी जीरो हो गया। सी अब केवल सी में जो है कहीं एक्स प्लस टू नहीं है तो यहाँ पुट करेंगे हम। देखिए सी एक्स माइनस वन है तो माइनस टू माइनस वन इन टू, यहाँ पे x माइनस टू है तो माइनस टू माइनस टू, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस थ्री हो गया, ये माइनस फोर हो गया, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया ट्वेल्व सी, और उधर क्या है वन ही बचा है तो c इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व, तीनों के मान निकल गए। a का मान माइनस वन बाई थ्री, बी का मान वन बाई फोर, और c का मान वन बाई ट्वेल्व। अब ये सभी मान हम यहाँ रख देंगे, कहाँ रखेंगे देखिए, यहाँ हमने माना हुआ है ये किसके इक्वल है, यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए ये हमने इसके इक्वल, यही जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसी को हमने क्या किया है, इसी को माना हुआ है ए बाई बी बाई सी बाई। अब सबके मान रखेंगे, ए का मान कितना है एक बट माइनस एक बटे तीन, तो देखिए ए की जगह हो गया माइनस एक बटे तीन अपान क्या एक्स माइनस वन पहला हो गया, प्लस बी का मान कितना है वन बाई फोर, तो बी की जगह हमने वन बाई फोर रखा, और नीचे क्या है एक्स माइनस टू तो एक्स माइनस टू। सी का मान कितना है वन बाई ट्वेल्व, तो यहाँ सी की जगह हो गया वन बाई ट्वेल्व, और यहाँ नीचे क्या है एक्स प्लस टू तो ये एक्स प्लस टू। अब हमने ए बी सी का मान रख दिया, उधर क्या था देख लीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन ये है, जो इंटीग्रेशन दिया हुआ वही लिखा हुआ है। अब दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन और डीएस का सिंबल, इधर भी इंटीग्रेशन और डीएस का सिंबल लगा देंगे। अब सबको इंटीग्रेट करिए, जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है अब वही उसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री कॉन्टेंट है, अब उस इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा तो यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स ये हो गया, प्लस वन बाई फोर, वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स माइनस टू, ये वन बाई फोर कॉन्टेंट ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स, प्लस वन अपान ट्वेल्व इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस टू डी एक्स,
अब देखिए सारे कंटेंट जो है आप जानते हैं किसी वेरिएबल के साथ कंटेंट गुणा के रूप में, तो इंटीग्रेशन की प्रोसेस से बाहर चला जाता है, तो वो इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर आ गया। अब आपको बताया था मैंने कि अगर वन अपान इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान ए एक्स प्लस बी इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी इंटू वन अपान ए एक्स का गुणांक क्या है, ए है तो वन अपान ए है, एक्स का गुणांक वन है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा आपका पहले का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन, ये हो गया माइनस वन बाई थ्री लाग एक्स माइनस वन। दूसरा देखिए वन अपान एक्स माइनस टू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन अपान एक्स माइनस टू, तो वन बाई फोर पहले से कॉन्टेंट है, इसका हो गया लाग एक्स माइनस टू, प्लस वन अपान ट्वेल्व लाग एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, लाग एक्स प्लस टू प्लस एक कॉन्टेंट सी, वेयर सी इज अ कॉन्टेंट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो करके हम क्या है इंटीग्रेशन ज्ञात कर रहे हैं। अब ये पहला केस था जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से हम इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन और देखिए, एग्जांपल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपान एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। यहाँ से आते हैं हम कि केवल डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, इसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर हों सब के सब लीनियर हों, सारे के सारे फैक्टर इसके डिनोमिनेटर के लीनियर होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। तो पहले हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करके देखेंगे कि उसका फैक्टर जो है वो नॉन रिपीटिंग और लीनियर है कि नहीं है। तो इसका फैक्टर करिए, ज़रा देख लीजिए फैक्टर। पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो टू के दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि जोड़ने पे क्या आ जाए, थ्री आ जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ये हो गया। अब यहाँ एक्स कामन तो एक्स माइनस टू, यहाँ माइनस वन तो एक्स माइनस वन, एक मिनट रुकिए दिखाई आपको नहीं देगा, इससे थोड़ा अलग लिखें हम। देखिए ये फैक्टर करना हमें, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, दो के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पे क्या आ जाए, थ्री आ जाए। तो टू प्लस वन, ये सब आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, यहाँ एक्स कामन तो एक्स माइनस टू, यहाँ माइनस वन कामन तो एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर क्या है, उसके फैक्टर लीनियर हैं। अब इसके फैक्टर लीनियर हैं तो यानी हम अभी जो केस पढ़ रहे हैं उस केस में ये फॉलो करेगा कि फैक्टर इसका लीनियर होना चाहिए प्लस नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, कोई भी फैक्टर दो बार नहीं आना चाहिए। यहाँ फैक्टर इसका लीनियर भी है और नॉन रिपीटिंग है। अब आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। सबसे पहला काम मैंने बताया था कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पावर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर का पावर कितना है, टू, डिनोमिनेटर का पावर कितना है वो भी टू। इसमें बताया था मैंने कि डिनोमिनेटर का पावर हमेशा न्यूमरेटर के पावर से ज़्यादा होना चाहिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन पे हम काम करते हैं। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग दे लेते हैं, भाग दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो भाग देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव।
ये देखिए हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया ये दोनों का पावर बराबर है, जब तक जो है न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर के बराबर है या अधिक है तो हम भाग दे लेते हैं, अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ देखिए कितनी बार जाएगा, पहले वन, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये आपका माइनस, यहाँ पे टू है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे माइनस थ्री एक्स है, अब क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है तो क्या बचा, ये माइनस थ्री एक्स था तो चिन्ह बदल गया तो प्लस थ्री एक्स हो गया, यानी यहाँ बचा थ्री एक्स, और यहाँ देखिए माइनस टू और प्लस फाइव तो कितना प्लस, देखिए माइनस थ्री यहाँ पे है, अरे माइनस टू है और आपका है माइनस फाइव जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो माइनस फाइव और माइनस टू कितना हो गया माइनस सेवन। तो यहाँ बचा क्या, अब इसको हम लिखने का तरीका क्या है, जितनी बार गया वन होल थ्री एक्स माइनस सेवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो वन होल को हम क्या करते हैं वन प्लस लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखा हमने वन प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन, ये थ्री एक्स माइनस सेवन अपान ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये हमने इसको अब एक तरह से जैसे आप बनाते हैं ना प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि हम इसका पावर जो है वो कम कर लिए, हमेशा न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तो आप एक तरह से मान चलिए उस पर पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स लागू होंगे। तो हमने कम कर लिया यहाँ पे। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इसका फैक्टर भी हो जा रहा है, लीनियर फैक्टर हो रहा है, नॉन रिपीटिंग हो रहा है, इसके सारे फैक्टर लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है, तो अब इसको हम अलग से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x माइनस सेवन था ही, नीचे क्या है x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो इसके दो फैक्टर अभी करके हमने बताए थे, एक x माइनस वन दूसरा x माइनस टू, दो फैक्टर हुए। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस सेवन अपान x माइनस वन x माइनस टू। अब मैंने बताया था अगर सारे फैक्टर लीनियर हैं तो एक एक फैक्टर को हम प्लस करके a बाई बी बाई सी बाई करके लिखते जाते हैं, तो यहाँ a बाई एक्स माइनस वन प्लस b बाई एक्स माइनस टू ये हमने लिख लिया। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो आप लिखे हुए हैं 3x माइनस सेवन अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, यही एलसीएम यहाँ भी आएगा, तो ये दोनों कट जाते हैं, इसीलिए केवल 3x माइनस सेवन यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा अब देखिए यहाँ एलसीएम हमने क्या लिया x माइनस वन और x माइनस टू, ये एलसीएम हो गया दोनों का, दो फ्रैक्शन है यहाँ पे a बाई x माइनस वन b बाई, तो दोनों का एलसीएम x माइनस वन x माइनस टू, ये एलसीएम हो गया। अब x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस टू बचेगा, तो ये हो गया a इंटू x माइनस टू, और x माइनस टू से करेंगे तो x माइनस वन, तो प्लस b x माइनस वन। अब ये इसका डिनोमिनेटर आपका कट गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा यहाँ 3x माइनस सेवन और यहाँ क्या बचा देखिए ए एक्स माइनस टू, तो देखिए अब वही बचेगा यहाँ ए एक्स माइनस टू, यहाँ बचा आपका क्या ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन, ये बचा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि हाँ देखिए जितने इसके फैक्टर हैं एक एक को पुट करते जाइए, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू दो फैक्टर हैं यहाँ पे, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करिए, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो करिए, तो यहाँ से आएगा एक्स बराबर वन, यहाँ से आएगा एक्स बराबर टू, ये हमें पुट करना है, बारी बार से कर लीजिए। अब हम पहले क्या पुट करेंगे इसमें, एक्स बराबर वन पुट करेंगे, करिए यहाँ एक्स बराबर वन पुट कर रहे हैं, तो देखिए जब x बराबर वन पुट करेंगे हम तो यहाँ b वाला टर्म सब जीरो हो जाएगा क्योंकि वन माइनस वन इक्वल टू जीरो,
और x बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1, और माइनस 1 का a में गुणा करेंगे तो माइनस a, यानी एक साइड में माइनस a आ गया। यहाँ x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो से माइनस 3 माइनस 7 तो माइनस 10, तो a इक्वल टू कितना 10। एक मिनट, माइनस 1 नहीं पुट करना था हमें, क्या है x इक्वल टू 1 पुट करना था, हम लोग गलत पुट कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। ये इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक दो फैक्टर हैं, इसको 0 के बराबर करिए इसको, तो यहाँ से x बराबर 1 पुट करना है, यहाँ से x बराबर 2 पुट करना है, ये पुट करना है तो पुट करिए। अब देखिए x बराबर 1 यहाँ हम पुट कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, x बराबर 1 पुट करना है तो इधर हो जाएगा 3 माइनस 7 इक्वल टू, इधर देखिए 1 पुट करेंगे x की जगह तो ये b 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ है आपका x माइनस 2, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 माइनस 2, तो a का मान कितना माइनस 1, यहाँ से देखिए यहाँ माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस a, तो a इक्वल टू कितना आएगा 4। तो a का मान निकाला हमने, a का मान कितना आया, a का मान आया 4, तो देखिए यहाँ a का मान दिया हुआ है आपका, a का मान है 4, a इक्वल टू 4, ये पहला वैल्यू। अभी x की जगह हमने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था, अब x की जगह क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो जहाँ x है वहाँ 2 पुट करिए इसमें, देखिए ये a वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ x की जगह क्या पुट करना है 2, तो b वाला देखिए b में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 यानी 1, अब केवल b इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, यहाँ 7 में 6 और माइनस 7 है तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, और यहाँ 2 माइनस 1 क्या बचेगा b, तो b इक्वल टू माइनस 1, तो हमने दोनों मान निकाल लिए। हमने क्या निकाला, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू, a इक्वल टू जो हमने निकाला a का मान वह 4 निकाला, और जो b का मान निकाला हमने वो क्या निकाला माइनस 1। अब ये दोनों मान यहाँ रख दीजिए, इसमें यहाँ a की जगह 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही देखिए 3x माइनस 7 अपान x माइनस 1, x इधर तो वही है जो इंटीग्रेशन है वही इस साइड में है, अब यहाँ a की जगह हम 4 रख देंगे तो 4 बाई x माइनस 1 हो गया ये दूसरा, यहाँ b की जगह माइनस 1 रखेंगे हम तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा माइनस 1 बाई x माइनस 2, दो इंटीग्रेशन हो गए। अब इसी को हम क्या करेंगे, अब देखिए यही जो इंटीग्रेशन दिया था ये दो टर्म में टूट गया, और ऐसे टर्म में टूटा कि सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, यानी हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, तो आप जानते हैं ये दोनों इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब इंटीग्रेट करिए तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन था, यहाँ पे हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 5 में भाग दिया था तो क्या आया था 1 आया था, और 1 के बाद जो ये बचा हुआ था उसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, एक तो ये और ये, तो ये दो इंटीग्रेशन यहाँ हो गए, थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, एक मिनट कुछ दिक्कत आ गई नहीं, चलिए
हमको लगा कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए ये वन पहले से था पूरा इंटीग्रेशन, और बाकी जो बचा था उसको हमने दो इंटीग्रेशन में यहाँ तोड़ लिया, और सबका इंटीग्रेशन करना है। इधर इंटीग्रेशन का चिन्ह dx हुआ तो जो क्वेश्चन है वो हो गया, और इधर वही इंटीग्रेशन क्या है तीन पार्ट्स में अब टूट गया। अब जो हमारे लिए क्वेश्चन था वो ईजी हो गया। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो देखिए वन का इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वन सीधे क्या होता है वन बाई, यहाँ इंटीग्रेशन सीधे यहाँ कर रहे हैं हम, ये बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स होता है प्लस फोर, यहाँ वन बाई एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स माइनस वन, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स माइनस टू, और प्लस कॉन्टेंट सी। तो इस तरह से आपने देखा कि जब ये लीनियर में टूटेगा तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो, अगर इसका डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर में यानी एक्स पे पावर वन में फैक्टर है और नॉन रिपीटिंग है, इसके जितने भी फैक्टर होने चाहिए सब लीनियर होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्शियल, एक एक फैक्टर को ए बाई प्लस बी बाई प्लस सी बाई लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद ए बी सी का मान निकालते हैं, और ए बी सी का मान रख के फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी इतना ही देखिए, फिर अभी अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन बताएंगे।